करवा देंगे। एक बात आपसे इंपॉर्टेंट मैं करना चाहूंगा आज कि हम जब जीत जाएं तब हमारा बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, या जब हम लड़ रहे हैं तब हमारा बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज है जो इंसान को डिफाइन करेगी? द आर ऑफ ट्रायल या द आर ऑफ विक्ट्री। द आर ऑफ ट्रायल या द आर ऑफ विक्ट्री। मेरे ख्याल से आर ऑफ ट्रायल इज द थिंग विच डिफाइन्स यू, कि जब सिचुएशंस खराब हुई, जब प्रॉब्लम्स आई, जब लड़ने का समय था, जब मुसीबतों से घिरे थे, जब लाइफ में डेविएशंस थे, जब बाकी लोग मजे कर रहे थे, जब बाकी लोग लाइफ को गलत चीजों में इन्वेस्ट कर रहे थे, उस टाइम आपने क्या किया? नहीं, मजा है इस रास्ते पे चलने में। मैं यहां से आपको रिकमेंड करता हूं, आप जिम कैरी मोटिवेशनल वीडियो डालोगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छी स्पीच है, काफी लंबी स्पीच है, उसके बीच में ये बात, बहुत पुरानी स्पीच है। जिम कैरी वाज अ वेरी नोटिसेबल कॉमेडियन, एक्टर, मतलब बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आदमी थे वो, हैं, आई एम सो सॉरी, अभी भी वो मल्टी टैलेंटेड है। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, वापस चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स #8 पे। मेरे जो आज पूरी बातों का मतलब था वो ये था कि इस जर्नी को एंजॉय करो, ये जो आर ऑफ ट्रायल है इसमें खुद परफॉर्म करो, ये तुमको डिफाइन करने वाला है।